हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग, यानी कि टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं i20 डीजल की माइलेज टेस्ट, जो कि मैं फुल टैंक से आपके सामने आज करके बताऊंगा। और मेरा रूट है आज का अमृतसर टू कथुआ, जो कि जम्मू में पड़ता है। तो अप एंड डाउन बोथ साइड का मुझे जो डिस्टेंस पड़ेगा वो नियर अबाउट 250 किलोमीटर होगा। और इसी दौरान मैं टैंक फुल करके डीजल पूरा भरवा के उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स होंगे उसको रन करने के बाद दोबारा से फिल करूंगा और आपको बताऊंगा i20 डीजल 19 मॉडल आपको कितनी माइलेज देती है। तो दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये हम डीजल टैंक फुल करवा रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि डीजल इसमें हम फिल कर रहे हैं। पूरा टैंक फिल करने के बाद हम गाड़ी चलाएंगे। तो ये भैया अभी पूरा टैंक फिल कर रहे हैं, सिप बाय सिप, थोड़ा थोड़ा फ्यूल डीजल डालने के बाद। जी हाँ, तो मेरे ख्याल से ये टैंक अभी फुल हो चुका है। जी बिल्कुल। तो ये हमने अपना ट्रिप शुरू कर दिया, तो देखते हैं कुछ आगे का व्यू। ये व्यू है हाईवे का, जो कि अमृतसर से कथुआ मींस जम्मू रोड है। काफ़ी आपको यहाँ पे खुली सड़क मिल जाएगी, जहाँ पे आप इजीली अपने तरीके से जैसे भी ड्राइव कर सकते हो। तो हमने ट्राई किया था कि 80-90 या 100 की स्पीड पे चलाई जाए, लेकिन इट डिपेंड्स। तो टोटल हम जब कथुआ पहुँचे और वापसी करने के बाद टोटल 257 किलोमीटर गाड़ी चली। और उसको चलाने के बाद हम दोबारा फ्यूल स्टेशन जब पहुँचे तो हमने फ्यूल दोबारा से फिल करवाया। जी, ये दोबारा हम अपना फ्यूल फिल कर रहे हैं जितना पेंडिंग होगा। डाल दो जितना डलता है कर देंगे पैसे। चलो हाँ। तो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी जो रन की है वो टोटल चली है 257 किलोमीटर के आसपास। इसमें गाड़ी काफी टाइम, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट ट्रैफिक में खड़ी भी रही है, ऑन कंडीशन में रही है, उसके साथ एसी भी ऑन कंडीशन में ही था। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जी जो हमने ट्रेवल किया है उसमें टोटल 4 पैसेंजर थे और एक किड भी था, मतलब टोटल 5 लोग थे हम, आप 4 ही मान लो। तो इस दौरान 4 पैसेंजर होने के बावजूद भी जो हमें माइलेज मिला है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो माइलेज क्या है, जैसे कि हमने 257 किलोमीटर रन किया है और जो हमारा फ्यूल है, ये जो स्लिप है शो कर रही है, हमने जो आपके सामने फ्यूल दोबारा से डलवाया है वो 11.76 लीटर दोबारा से डीजल पड़ा। और अगर हम इसको टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर दें तो ये आपकी जो माइलेज निकल के आती है वो है 21.85 kmpl, जो कि बहुत ही लाजवाब माइलेज है i20 जैसी गाड़ी के लिए। और इसके साथ साथ गाड़ी 100 प्लस की स्पीड पे भी कई बार चली थी, मतलब ये जो हमारा ट्रिप था ये माइलेज ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं था। अगर माइलेज ओरिएंटेड होता तो हम 80-90 की स्पीड पे रखते, क्योंकि ये एक फैमिली ट्रिप था तो हम अपने तरीके से गाड़ी चलाते रहे। लेकिन फिर भी 21.85 kmpl की माइलेज बहुत ही अच्छी माइलेज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।